नमस्कार निक्षिप टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बड़ी खबर झांसी से आ रही है। अपनी पत्नी ने अपने पति को जान से मार डाला। पूरी बात क्या वो भी बताना चाहेंगे आपको। आखिर क्या ऐसी नौबत आन पड़ी कि पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर डाला। पूरी बात क्या है, झांसी एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और साथ ही साथ रात भर उसकी लाश के साथ लेटी रही। सुबह होने पर जब लोगों को पता चला तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब पूरी बात क्या है कि जिस तरह से इस महिला ने, जो पुलिस तक जब खबर पहुंची, उन्होंने बताया कि इनका पति रोज रात को जब शराब पीकर आता था उनके साथ मारपीट करता था। मारपीट के साथ साथ सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि उनकी बेटी जो है उसकी बेटी के साथ भी हाथापाई करता था। आखिर एक दिन ऐसा हुआ जबकि रोजमर्रा की तरह इनका पति जो शराब पीकर घर लौटता है तो उसी के चलते शराब के नशे में धुत वो अपनी पत्नी को मारता और साथ ही साथ बेटी को मारता। इतना ही नहीं बल्कि बेटी के कपड़े भी फाड़ता है। महिला ये आरोप लगाया कि उसका पति उसकी बेटी के साथ कहीं ना कहीं रेप करने की कोशिश कर रहा था। उसी के चलते लाठियों से जब उस पति ने अपनी बेटी और उस अपनी पत्नी को मारा और बेटी के कपड़े फाड़े, उसी के चलते महिला ने अपना, यानी कि ये कहेंगे बचाव करने के लिए, अपनी बेटी का बचाव करने के लिए वही लाठी से अपने पति को दे मारा और जिसके चलते लाठी जोर से लगी, उसके पति की हत्या होगी। उसी के चलते फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया। अब पूरी बता दें, ये घटना जो है मैरानीपुर थाना क्षेत्र में एक गांव की है। यहाँ रहने वाले युवक मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। उसी के चलते पत्नी का कहना है कि वो रोज शराब पीकर देर रात को घर आता था और अक्सर वो बच्चों को और उस पत्नी को मारपीट करता था जिसे सब परेशान रहते थे। महिला का ये भी आरोप है कि जब बीती रात वो पति उसका शराब पीकर आता है, शराब के नशे में वो कहीं ना कहीं मर्यादाओं को लांग देता है, यानी उसके साथ तो मारपीट करता है वही उसकी बेटी के साथ भी मारपीट करता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। जब जिस डंडे से उसकी पत्नी और अपनी बेटी को मारता है उसी के चलते जब देखता है कि पत्नी ने देखा कि उसका पति उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतों पर उतर आया, वही डंडा उठाकर वो पत्नी अपने पति कर सर के मार देती है और जिसके चलते उसकी हत्या हो जाती है। सुबह इसकी घटना की जानकारी मृतक की मां और इलाके के लोगों को हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची पुलिस ने जो कि साक्ष्य जुटाने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की मां ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसका बेटा ही हत्या बेटे की हत्या बहू और नातिन ने ही की है और साथ ही साथ इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मां बेटी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। यानी शराब, ये नशा, चाहे किसी तरह का भी नशा हो जो इंसान को हैवान बना देता है, इंसान अपनी मर्यादाएं भूल जाता है, रिश्तों की मर्यादाओं को भी भूल जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी हरकत कर बैठता है कि खुद तो मुश्किल में आता है पर अपने परिवार को भी पूरी उम्र के लिए मुश्किल में डाल देता है। ये झांसी की घटना है। बार बार हम यही कहते हैं कि नशे से दूर रहिए। ऐसे नशा करना ही क्यों जिसे आप अपने रिश्तों को भूल जाएं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाएं। इसी तरह से झांसी की ये घटना हमने आपके सामने लाई क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये घटना से सीख मिलनी चाहिए कि अपने परिवार, जिनका परिवार हो वो नशे से दूर है, चाहे वो शराब का हो चाहे किसी और चीज का नशा हो, उससे फिलहाल दूर है। अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित चाहते हैं, यानी पति तो चला गया दुनिया से, अब माँ और बेटी जेल में, यानी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अब केस चलेगा, पर ये कहीं ना कहीं ये इसलिए स्टोरी दिखाई कि एक परिवार का परिवार खत्म हो गया, यानी नशा वो चीज है। तो इसीलिए जिस तरह से भी आप देखते हैं आए दिन इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती कि नशा कर पति जब घर पे आते अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और वही मारपीट ही नहीं कि कहीं ना कहीं रिश्तों की मर्यादा को भी लांघने का प्रयास करते हैं, जो बड़ा एक हादसा बनकर सामने आते जिस तरह से झांसी के इस परिवार के साथ हुआ। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।